हेलो साथियों, वेलकम टू माय चैनल रमजान नेटवर्क। मेरा नाम तैयब गोविंदकर है। आज मैं आपको मेरे लैपटॉप के बारे में और उसकी रिव्यू दिखाऊंगा, उसकी क्वालिटीज और मैंने जो नया लैपटॉप है उसकी क्वालिटीज और उसका डिसएडवांटेज आपको पूरी डिटेल में दिखाऊंगा। ये वीडियो में आप एकदम देखें और वीडियो में बने रहें और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो साथियों, ये Lenovo का लैपटॉप मैंने लिया था 1 महीने पहले, Lenovo Ryzen 7। आपको मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन पहले बताता हूँ। ये 16 GB रैम है, 512 SSD है और Ryzen 7 प्रोसेसर है। तो साथियों, ये लैपटॉप मैं आपको अभी ऑन करके बताता हूँ। इसकी स्पीड इतनी फास्ट है कि विद इन 10 सेकेंड ये स्टार्ट हो जाता है। आपको मैं बताता हूँ ये ऑन करके। क्वालिटी ये है कि फ्लैप ओपन करते ही ऑन हो जाता है, ये विद इन 10 सेकेंड अप हो जाएगा। इसमें खासियत ये है कि इसको फिंगर भी विद इन 1 सेकेंड आपको ऑन करने के लिए। तो साथियों, ये लैपटॉप का जो मैंने लिया और इसके बारे में मैं रिव्यू बता रहा हूँ, वो लैपटॉप स्लिम है, एकदम हार्ड टच है और यूज करने में बहुत ही फास्ट है। और इसमें एक इशू ये आया मुझे 1 महीने में कि इसका कीबोर्ड का इशू आया है। कीबोर्ड के कुछ कीज ऑटोमेटिकली प्रेस हो रहे थे और कुछ कीज डिसेबल हो रहे थे। तो आप लोग को ये बताता चलूँ कि ये लैपटॉप अगर कोई लेगा तो मैंने तो अपना रिस्क ले लिया है लैपटॉप के लिए, लेकिन अगर कोई लैपटॉप लेगा तो इसकी प्रीमियम वारंटी लेना जरूरी है। इसकी प्रीमियम वारंटी इसलिए लेना जरूरी है कि जबकि देखो मुझे 1 महीने में एक कीबोर्ड का इशू आया है, तो ये मुझे पूरा पैनल जो है, सिर्फ कीबोर्ड नहीं पूरा पैनल मुझे रिप्लेस करके मिला है, क्योंकि ये कीबोर्ड सिर्फ अलग के होते हैं, पूरा पैनल के साथ अटैच है। अगर आपके पास प्रीमियम वारंटी नहीं रहेगी तो ये आपको बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ेगा। इसके अदर जो रैम है वो मदरबोर्ड के साथ इनबिल्ट है और इसका जो SSD है वो 6 SSD है। तो साथियों, लैपटॉप में ये एक डिसएडवांटेज ये है कि इसमें लैन पोर्ट नहीं है। लैन पोर्ट कंपनी की तरफ से नहीं है, शायद सिक्योरिटी रीजन के लिए, बट वाईफाई स्पीड 1 GB स्पीड नहीं है। और दूसरा डिसएडवांटेज ये है, आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ 2 USB पोर्ट ही है, वो एक डिसएडवांटेज है। लैपटॉप आप लोगे तो ये पर्सनल यूज के लिए ही है और इसकी प्रीमियम वारंटी याद से आपको खरीद के रखना। इवन अगर 1 ईयर की अगर फर्स्ट टाइम मिलती है तो आपको 2 ईयर्स की एक्सटेंड करना, क्योंकि अगर ये लैपटॉप अगर आफ्टर वारंटी अगर कुछ रिपेयर में आता है तो आपको बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ेगा। क्योंकि लैपटॉप जब ये कीबोर्ड का रिपेयर करने इंजीनियर लेने होगा, इंजीनियर आया था तो उसने खुद वीडियो मैं उसकी खुद वीडियो बनाया हूँ। लैपटॉप बहुत ही कॉम्पैक्ट है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब एक चीज अगर जाएगी तो पूरा पैनल चेंज करना पड़ता है। तो जब भी आप लैपटॉप लोगे, ये मार्केट में अभी प्राइस इसकी शायद 62,000 प्राइस है, मैंने लिया था तब 60,000 में करा था। इसमें अभी विंडो 11 है, विंडो 11 मैंने अपग्रेड किया विंडो 10 के साथ आया था। तो मैं आपको उसका एक ऑप्शन भी बताऊंगा, लेकिन अगर विंडोज जेनुइन है, इंटरनेट स्पीड अच्छी है तो आप विद इन 1 आवर उसको अपग्रेड कर सकते हैं विदाउट एनी डाटा लॉस। तो मैं आपको बताऊंगा कि उसमें एक TPM2 का एक एरर आता है जो कि अनेबल करना है, जो इसकी सेटिंग में वो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि TPM कोई दिखता है। तो मैं बताऊंगा आपको इसके बायो सेटिंग में जाके कि क्या अनेबल करना है। तो आप वीडियो को, तो साथियों मैं अभी रिस्टार्ट करके बताता हूँ जो TPM2 अनेबल करना होता है विंडो 11 अपग्रेड करने के लिए। मैं अपने लैपटॉप को मैं रिस्टार्ट कर लेता हूँ।
अपने कीबोर्ड पे, अब एक बीप होगी, अब ये गया बायो सेटिंग, ये लैपटॉप लेनोवो लैपटॉप की बायो सेटिंग। तो साथियों देख सकते हो ये लैपटॉप की पूरी स्क्रीन है, बायो स्क्रीन, इसमें आपको कहीं भी टीपीएफ 2 का ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिखेगा, आप देख सकते हो, लेकिन वो अनेबल करने का ऑप्शन इसमें भी आता है, टीपीएफ 2 शुड बी अनेबल। तो आप कहाँ जाओगे, तो सिक्योरिटी ऑप्शन में जो एएमडी की प्लेटफॉर्म सिक्योरिटी प्रोसीजर है ये बाय डिफॉल्ट लेनोवो से डिसेबल रहता है, तो इसे सिर्फ हमें अनेबल करना है और आपका विंडो 11 अपग्रेड के लिए रेडी हो जाएगा। आपको पसंद आया होगा, मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर चैनल, ऐसी में और टेक्निकल रिलेटेड वीडियो बनाता रहूँगा और ऑनलाइन एप्लीकेशन हार्डवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर रिलेटेड वीडियो बनाता रहूँगा।